राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर प्रेस वार्ता किए। इस दौरान मंत्री दयाल दास बघेल, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे, मीडिया प्रमुख अमित चिमननी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने 2013 के बाद 200 से अधिक विदेश यात्रा की है। जब भी राहुल गांधी अमेरिका गए और कहा कि भारत निष्पक्ष रहे तब एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। क्या भारत अभी निष्पक्ष है? राहुल गांधी ने संविधान और सरकार पर सवाल उठाया है। उनका इस तरीके का आरोप लगाना सही नहीं है। अभी राहुल गांधी जी जब अमेरिका की यात्रा पर गए, राहुल गांधी जी अमेरिका की ही नहीं पूरे विश्व का दौरा करते हैं और ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने 257 से ज्यादा यात्रा 2013 के बाद किया है। 14 के चुनाव के लिए आने के बाद कांग्रेस के, और इसमें से अधिक यात्राएं गुप्त यात्रा है। 2014 में चुनाव आने के बाद म्यांमार पहुंच गए, बीमार है, 11 दिन कंबोडिया में रहे, फिर भूटान चले गए, भूटान के राजदूत से मिले, वहाँ चीन के राजदूत से मिले, तो मिले क्या कारण है ये बहुत है, क्योंकि हम और आप सब इसी देश के निवासी हैं, एक सोचने का विषय है, एक जानने का विषय। लेकिन अभी जब ये गए अमेरिका में, इन्होंने वहाँ कह दिया कि हम जब समर्थ होंगे, मतलब जब भारत जो है निष्पक्ष बनेगा, निष्पक्ष का मतलब है, इनका साफ साफ सा ये मतलब है कि भारत की संविधान के तहत चल रही केंद्र की सरकार या भारत का संविधान के डॉक्टर मिलवाकी नेतृत्व में केवल निष्पक्ष नहीं है, अभी उसको निष्पक्ष नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जब भारत रहेगा तब हम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे, जो भी आरक्षण है खत्म कर देंगे, यानी 10% का आरक्षण जो अपर कास्ट ओबीसी संशोधन करके भारत के संविधान में दिया गया उसको भी वो खत्म कर देने का कहा।